अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं हाजिर हूँ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज के साथ। जी, तो ये चटनीज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से जल्दी से बन जाती हैं और यमी भी बहुत होती हैं। आप ये सारी चटनीज बना के फ्रिज में आप इसको सेव कर सकते हैं एयर टाइट जार को यूज़ करते हुए। चले बढ़ते हैं पहली रेसिपी की तरफ, किचन में आ जाएं। पुदीने की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इमली का पानी, आधा कप यूज़ किया है, गुद्दा यूज़ नहीं करना, सिर्फ पानी। धनिया, पुदीना, एक टमाटर और एक हरी मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है। और आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा और एक चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड किया। इमली के पानी में अच्छी तरीके से आपने इसको कर लेना है ग्राइंड, ठीक है। पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, फ्राइज़ के साथ, मोमोज़ के साथ ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। एयर टाइट जार में डाल के आप इसको फ्रिज में रख दें। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। कैरी की चटनी के लिए हमें 2 अदद कैरी चाहिए, ठीक है। 2 अदद प्याज चाहिए, मीडियम साइज़ के आप ले लें 2 अदद प्याज। एक इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, नमक 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और आधा कप इसमें हम डालेंगे पानी। अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड करना है, बहुत अच्छे तरीके से। इसे भी एयर टाइट जार में डाल के आपने फ्रिज में रख देना है, दाल के साथ या किसी भी भुने हुए सालन के साथ खाएं, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। नंबर 3, खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है पानी, इमली का पानी 1/2 कप। इसमें थोड़ा सा पुदीना हमने ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे हम ग्राइंड, ठीक है। एयर टाइट जार में डाल के रखेंगे, खट्टी चटनी के साथ मिक्स करके इसको खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। हरी चटनी बनाने के लिए धनिया पुदीना लिया है, अदरक का 1 टुकड़ा लिया है, हरी मिर्च ली है 1 अदद और आधा चाय का चम्मच नमक डाला है, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा डाला है और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला डाला है। पानी थोड़ा सा डाला है, अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, चटनी को डाला है एयर टाइट जार में, वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, अच्छा से कमेंट भी कर दिया है। और जी, अब आपने सारी चटनीज को बनाकर फ्रिज में रख देना है 1 से 2 हफ्ते तक आप इसको यूज़ करें। और जी, मुझे दुआओं में याद रखें।